देखिए, अगर आपको फोन पे में कोई पेमेंट करता है बट आपको उसकी नोटिफिकेशंस नहीं आती है, तो आप कैसे सही करें उसे कि आपकी नोटिफिकेशंस आपको आ जाएं? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। आप वो करिए, फिर आपको जो भी कोई पेमेंट करेगा आपको उसको उसकी नोटिफिकेशंस आपको आ जाएगी। तो उसे सही करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाना है। जैसा मैं करते जाऊँ मुझे फॉलो करते जाइए। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी नोटिफिकेशन, मान लीजिए यहाँ पर फ़ोन, यहाँ पर देखिए आपको फ़ोन पे की नोटिफिकेशन होगी, ढूंढ लेना है। देखिए यहाँ पर ये रही, हो सकता है ये ऑफ है, तो इसे आपको ध्यान देना है, ये ऑन रखना है, ठीक है? अब इसके बाद, इससे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ये करने से, बट अगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको ऐप्स में आना है, यानी कि एप्लीकेशन मैनेजर में। यहाँ पर आपको फ़ोन पे ढूंढ लेना है। तो ये रहा फ़ोन पे। इसके बाद यहाँ आपको स्टोरेज में आना है और आपकी यहाँ पर कैच को क्लियर कर लेना है, ठीक है? अब नीचे बैक करके यहाँ पर देखिए परमिशंस में आना है, और यहाँ पर आपको एसएमएस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, कैमरा, टेलीफोन, ये सारी परमिशंस ऑन रहनी चाहिए, आपको एक बार देख लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशंस जो मैंने वहाँ पर करा था, यहाँ पर भी अलाउड होनी चाहिए। कोई सी भी नोटिफिकेशन इस तरीके से बंद नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर कर लें। और आपको आपके फ़ोन में एक बैटरी का ऑप्शन आएगा, तो अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को ऑफ, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको अलाउ कर देना है बैकग्राउंड एक्टिविटी के लिए, ठीक है? अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ पूछना है तो आप कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सचर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।